राधे राधे दोस्तों, बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिससे इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने भी गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि उसके अपने पिता के पास रहने की वजह से उसको काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार किसान थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि एक वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर कि उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो किसी उधेड़ बुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली, वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोगों ने उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया, मैं 12 साल की हूँ। इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता बीमार रहती हैं, इसलिए मैं काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो भी पैसे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो ना, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर
बहुत गहरा असर पड़ा। रात भर तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता को दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि तीनों का काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचें लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे, अपने गांव में कुछ करेंगे। भले ही उनके माता पिता की वसीयत मिले या ना मिले, तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिता से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पर ही अड़े थे, लड़कों पर कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों को अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। और फिर वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्या का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह पर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद न करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद का नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम कीजिए। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं कल अगली कहानी पर। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभार। राधे राधे।